हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू अविस्ट टीवी और मैं हूं अमृता। फिर से एक हम फूड पॉइंट पे आ गए हैं आज, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं दिल्ली की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट की जगह को। बंगाली मार्केट तो आप सबने सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज हम एक फूड जॉइंट पे आए हैं जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आके खा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कौन सा होगा बंगाली मार्केट में। बंगाली स्वीट्स? नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। एंड ये जो हैं, ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी अपने हाथ का बना के खिला चुके हैं एंड सबने तारीफ़ भी की है। और एक छोटी सी जगह लगाते हैं खाने को, पर इतना है कि जब जितने टाइम भी बैठते हैं अपना सारा सामान ख़त्म करके जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मिलवाती हूँ यहाँ के ओनर से। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं श्रीपाल जी से, जो ये फूड जॉइंट चलाते हैं। एंड इनसे हम पूछने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, क्या रेट्स हैं, सब चीज़ें बात करते हैं। चलिए, तो श्रीपाल जी, यहाँ पे आप क्या क्या रखते हैं खाने के लिए? हम जी यहाँ पे रखते हैं मैडम छोले कुलचे, भटूरे, परांठे, अच्छा, और राजमा चावल और रायता। अच्छा, और क्या टाइमिंग रहता है आपका? टाइम हमारा रहता है सुबह आते हैं करीब 9 बजे लगभग। जी जी, 9:45 बजे आता हूँ और शाम के हम रहते हैं 5:30 बजे आते हैं, कभी 5:30 बजे। अरे जब तक हमारा रहता है तब तक यहाँ पे रहते हैं, मतलब सारा खत्म करके सारा फिनिश करके जाते हैं। तो जैसे लंच वंच में लोग खूब भीड़ रहती है? हाँ, खूब भीड़ रहती है। खूब ऐसे है कि देखो 2-3 आदमी काम करते हैं खूब यहाँ पे, और सबको हाथ हाथ फटाफट जल्दी जल्दी सबको देते रहते हैं। हाँ, और बढ़िया बना के सब तारीफ करते हैं कि हाँ भाई चीज़ अच्छी है, अच्छी चीज़ है, सस्ता भी है और अरे टिकाऊ चीज़, बढ़िया चीज़ है। हाँ, और रेट भी कम है? और रेट भी कम है। क्या रेट रहता है? 30 के 3 है, बड़े वाले कुलचे हैं 30 के 3 है और छोटे वाले 4 देते। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे हम मेरे को होगा करीब 30 मान चलो 30 से ऊपर हो गए होंगे। हाँ, मतलब बहुत पहले से आप 30 साल का तो समझो यहाँ पे हम हो गया रिकॉर्ड है मेरा। तो मतलब आप सुबह जल्दी तयारी शुरू करते होंगे बनाने के लिए? सुबह की 3-4 बजे हो जाते हैं। हाँ, पूरा परिवार हमारा। अच्छा, सब मिल के? हाँ, सब मिल के ही, हम सब मिलके काम करते हैं, एक आदमी थोड़ा काम कर पाएगा, सब मिलके काम होता है। जी जी, मतलब घर पे ही सब चीजें बना के सब तब यहाँ लाते हैं? सब घर पे बनाता हूँ, सब बना के तब आराम से यहाँ पे होटल में लाते सामान। अच्छा, शिवाल जी, हमने सुना है यहाँ पे सेलिब्रिटीज, नाम भी तो है ये जगह का, नाम भी है बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट और ये लक्ष्मी स्वीट हाउस ना, दोनों दुकान मानी में अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, सब खा के। जैसे गौतम गंभीर भी इसके अंदर आया है, गौतम गंभीर? हाँ, गौतम गंभीर भी आए हैं, मनीषा कोराला भी है, ये पहले रहती थी खाया है, और अभी कभी कपिल दो भी समझो बड़े आदमी यहाँ पे आते हैं, कभी घर मंगा लेते हैं ज्यादा। हाँ, मतलब आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं, पहुँचा देते। डालमिया का भी आप बता रहे थे कि डालमिया के ऑफिस में भी जाता है, वहाँ भी जाता है। और देखो लक्ष्मी स्वीट हाउस भी जाते हैं, हमारे सामान खाने भी होता है तो मंगाते हैं, और सब बाहर आते हैं, वहाँ तो मिलता नहीं सामान, वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। और बच्चों की तो लंच वंच में स्कूल है साइड में तो खूब भीड़ रहती है? खूब भीड़ रहती है, खूब मंगाते हैं, खूब मंगाते हैं, और समझो फोन करके मंगाते हैं। अच्छा, हाँ, फोन कर देते हैं कि बेटे यहाँ पे आ जाओ, वहाँ दे जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा, तो कभी कभार अगर टाइम होता तो पहुँचा भी देते हैं। नहीं, सही है, बढ़िया। अब हम खा के देखते हैं आपका खाना यहाँ का। और खाना बिल्कुल एक नंबर का चीज मिलेगा।
दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है जिसमें है छोले कुलचे, राजमा चावल और रायता। गर्मी में ठंडा ठंडा रायता एंड ये सैलड इन्होंने सर्व किया है, ये मैं साइड में रख देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये छोले हैं, वो छोले कह रही हूँ सॉरी, जैसे कि ये राजमा है, राजमा में इन्होंने थोड़े काले चने भी मिलाए हुए हैं एंड ये इन्होंने चाट टाइप का बना के दिया है। जो मटरा होता है वैसे मटरा है, मटरा कुलचा, पर इसे छोले कुलचे के नाम से, और ये रायता मैं पी रही हूँ। ठंडा एंड जिसमें ये सर्व करते हैं वो अर्दन पॉट होता है बड़ा वाला एंड उसमें ये कर्ड को जमा के उसी में रायता बनाते हैं और एकदम बिल्कुल घर वाला टेस्ट है इसका, एकदम टेस्टी। तो उसमें स्टार्ट करती हूँ खाना, गरम गरम कुलचा हो रहा है एकदम। इसमें इन्होंने हमने थोड़ा स्पाइसी बनवाया है, ग्रीन चिलीज और मेरे को कोरिएंडर धनिया तो दिख ही रहा है। लेमन का एक टेस्ट आ रहा है, वो कुछ चाट की तरह लग रहा है। दोस्तों वाकई में मजा आ गया। आज इनके भटूरे फिनिश हो गए हैं, हम लेट हो गए आने में, शाम के 5 बज रहे हैं तो हमें वो मिस कर दिया, पर मैंने ऑलरेडी पहले भी खाए हुए हैं। उसमें आपको एक देसी घी का टेस्ट आता है, जैसे देसी घी में तले, मतलब वो भी अच्छे बनाते हैं। सच में आ रही छोले तो क्या कहने, मज़ा आ गया। इन्हें अच्छे से सर्व करते हैं, इन्हें प्यार से खिलाते हैं, देख के ही बड़ा अच्छा सा लगता है। हमें पहले राजमा अलग से टेस्ट करती है, इसमें इन्होंने कुछ मटर भी डाला। तो यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना ही है ये। यम्मी, गार्लिक वगैरह यूज नहीं किया इन्होंने, एकदम स्पाइसेस तो बहुत अच्छी हैं, गरम मसाला का एक फ्लेवर उभर के आ रहा है। ऐसे आते हैं। मजा आ गया यार, यम्मी यम्मी। इसमें ना इतना टेस्टी, इवन आप ग्लासेस में देख सकते हैं इतने मसाले दिख रहे हैं, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। अब सबसे अच्छी बात है ठंडा है, गर्मी में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मम्मी दोस्तों मज़ा आ गया मेरे को तो आज। आप जब बंगाली स्वीट्स आएंगे उसके पास मॉडर्न स्कूल पड़ता है, उसी के बैक साइड में ये बैठते हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आइए और आप खुद सोचिए कि नाथू स्वीट्स एंड बंगाली स्वीट्स जो अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं वो लोग खुद इनसे छोले कुलचे वगैरह मंगवाते हैं अपने आप। उनके यहाँ जितना भी जाता है इनके यहाँ से जाता है। अभी ये बता रहे थे कि अलग से 45 प्लेट्स कल छोले कुलचे इनके यहाँ से गया उनके, तो इनकी तो ऐसे मस्त इनका सब बिकता भी है एंड लोग इवन पसंद भी करते हैं, यहाँ से पैक करा के भी ले जाते हैं। ये तो कर नहीं पाते हैं डिलीवरी वगैरह, वरना ये खुद कहते हैं कि इनका जितना यहाँ पे है उतना तो वैसे ही लग जाता है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती ज़्यादा डिलीवरी की, फिर भी कोशिश करते हैं जहाँ तक पहुँचा सके आज तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों मैं तो मन कर गया यहाँ से पैक भी करा लो, अपने घर ले जाऊँ घर वालों के लिए, उनको यहाँ का टेस्ट करूँ। दिल्ली वालों को तो मैं
सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे आओ और टेस्ट करो, हमें बताओ फिर आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ का टेस्ट 10/10 है। तो वैसे बस क्लिनलीनेस का थोड़ा सा मैं 2 नंबर काट सकती हूँ कि 8/10 ऑन क्लिनलीनेस, क्योंकि थोड़ा सा इनके पास बैठने की जगह नहीं है। सीजनल चेंजेस, जैसे बारिश वारिश हो तो फिर यहाँ पे बैठने की ज़रूर दिक्कत हो जाएगी, पर खाने में ऑसम, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं खा लूँ फिर आपसे बात करती हूँ ज़रा। मेरा तो इवनिंग का स्नैक ही मान लो वैसे ही हो गया, थोड़ा थोड़ा पेट तो बहुत भर गया है, पर देखिए मैंने पैक भी करा दिया है थोड़ा सा घर वालों के लिए, एंड मैं भी रात को अब यही खाऊंगी। सीरियसली दोस्तों वर्थ अ ट्राई है आपको, बस यहाँ पे ड्रॉबैक है कि थोड़ा गर्मी लगेगी थोड़ा समर्स में, अदरवाइज तो मतलब खाना तो अल्टीमेट, मुझे तो मज़ा आ गया। एंड मुझे जानना है आप लोगों से कि आप जब यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा, आप क्या इसको रेटिंग देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए और मुझे बताइए कैसा लगा, एंड हाँ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बिजनेस टीवी। एंड दोस्तों यार करो यार, आप लोग सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें, पकड़ो सबके फोन और सब्सक्राइब करो यार बिजनेस टीवी को, और हमें बताओ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट करा करो, कमेंट देख के वीडियो ज़रूरी नहीं है बंद करना, आ जाओ कमेंट वमेंट करो, नीचे आता है नहीं पता तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भाई कमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जाती हूँ घर, अभी आपसे अलविदा लेने का टाइम है, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ सेव वाटर यार।